आजमगढ़ जिले के रैदोपुर स्थित विद्युत वितरण खंड द्वितीय के कर्मचारी जान जोखिम में डालकर कार्यालय में काम करने को मजबूर हैं। ये विभाग आज अनदेखी की वजह से जान हथेली पर रखकर काम कर रहा है। छत की पपरी टूटकर गिरने से एक उपभोक्ता बाल बाल बच गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं शहर के रैदोपुर स्थित विद्युत वितरण खंड द्वितीय के कार्यालय की, जहां उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का कार्यालय अपनी दयनीय स्थिति पर आंसू बहा रहा है। कोई सुध लेने वाला नहीं है। कार्यालय के अंदर का नजारा देख आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कार्यालय में काम करने वाले कैसे आखिर अपने कार्यों को अंजाम देते होंगे। अब देखिए कार्यालय के अंदर का नजारा। कार्यालय के अंदर किसी भी कमरे का छत आपको सही सलामत नहीं दिखेगा। जगह जगह से पपड़ी छोड़कर सीमेंट के टुकड़े अचानक भरभराकर नीचे गिर जाते हैं। ऐसा ही एक मंजर उस वक्त देखने को मिला जब एक उपभोक्ता अपने कार से कार्यालय पहुंचा। जैसे ही वह कार्यालय के अंदर प्रवेश किया, अचानक छत की पपड़ी टूटकर उसके सामने गिरी। संयोग ही अच्छा था कि वह बाल बाल बच गया। इस मामले में जब विद्युत वितरण खंड द्वितीय के SDO अंबुज तिवारी से बात की गई, तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। बस इतना बताया कि जल्दी कार्यालय खाली कर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल जर्जर हो चुकी बिजली विभाग की इस बिल्डिंग में कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ उपभोक्ता की भी जान जोखिम है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक विभाग की कुंभकर्णीय निद्रा टूटती है और कार्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। अभी अभी जैसे ही मैं कमरे में घुसा, उसी से ठीक एक मिनट पहले यहाँ का छत पर से बड़ा सा ईटा डायरेक्ट मेरे नीचे गिरा सामने। अब बस मुश्किल से मेरे 2 कदम की दूरी पे मैं साफ साफ बच गया, वरना मेरे आज क्या होता वो भगवान ही मालिक है। मैं तो इतने अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे? आए दिन जब भी हम लोग आते हैं, महीने 2 महीने में जब जरूर कुछ ना कुछ नीचे गिरा ही रहता है। और यहाँ पे बिजली विभाग के पूरे 3 फीडर के सबसे बड़े अधिकारी बैठते हैं, बड़े बड़े SDO बैठते हैं, सारे बाबू लोग बैठते हैं, लेकिन जब भी देखते हैं ये जर्जर हालत में ये मकान पड़ा हुआ है। तो सब खतरे में काम कर रहे हैं? सब लोग अपने जान को जोखिम में ही डाल के कर रहे हैं। आए दिन ये ईटा गिर रहा है, किसी दिन ये पूरा छत का छत गिर जाएगा, तब ये पेपर में आएगा कि बड़ी घटना हो गई, तब हो सकता है सरकार सचेत करे।